कराची से खबर शामिल करते हैं जहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर इंसानी पर नेशनल पार्टी की जानब से शबीर शफकत की में एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें शबीर शफकत ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हकूक पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हकूक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है जबकि मसीियों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में तोहरे मजहब की आड़ में मसी नौजवानों को झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है उन्होंने मजीद कहा है कि आम कौमों के ताली अदारे के मालकान को वापस कर दिए गए हैं मासुवा मसीहियों के आज भी कौमी तहवील में हैं, जो कि सरासर नासाफी और इंसानी हकों के खिलाफ फर्जी है जिसकी हमजोर मजम्मत करते हैं और अला हकाम से अपील करते हैं कि मसीहों के तालीमी अदारे भी दूसरे लोगों की तरह इन्हें वापस किए जाए चेयरमैन नेशनल पार्टी ने मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहा कि अभी तक अकलीतों को बल्दिया के मलाजमीन को नवम्बर तनख्व जारी नहीं की गई जो असुल तौर पर दिसम्बर के एडवास्ट तनख देने के पाबंद हैं क्योंकि ईद में जैसे लोगों को एडवांस तनख्वाह मिलती है लेकिन अभी तक बल्दिया के क्रिश्चन मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह तो दूर की बात है इन्हें नवंबर की तनख्वाहों की अदायत नहीं की गई वो किस तरह अपने बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियों को मना सकते हैं इस मौका पर कराची डिविजन के सदर रेमन्ड पैट्रिक भी मौजूद थे